नमस्कार बच्चों, आज हम 15 अगस्त पर भाषण देखने वाले हैं। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लजपत राय, मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों व सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है। हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों के रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। हाल ही में भारत ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। साथियों, यह भी सच है कि आज़ादी मिलने के इतने बरसों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम इस देश के फूल है यारों, हम इस देश के फूल है यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।